बिग बॉस ओटीटी 3 में शिवानी और कृतिका की हुई जोरदार लड़ाई, धक्का मुक्की तक पहुंच गई बात। अरमान का रिएक्शन देख भड़के लोग। बिग बॉस ओटीटी 3 में कृतिका मलिक और शिवानी कुमारी ने एक दूसरे को धक्का तक दे दिया। बिग बॉस ओटीटी 3 के घर में कृतिका मलिक और शिवानी कुमारी की जोरदार लड़ाई हुई। दरअसल कृतिका किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी। उन्होंने शिवानी से कहा कि शिवानी एक बार नहा ले। शिवानी बोली, मैं नहीं नहाऊंगी। कृतिका बोली, नहीं बाबू, अरे पूरे दिन अपन ऐसे रहते हैं और फिर किचन में काम करते हैं, मैं तो नहा कर आई हूँ ना, नॉर्मल बोल रही हूँ। शिवानी बोली, अंदर से मुझे पता नहीं कैसा अजीब अजीब लग रहा है। ऐसे में रणवीर ने शिवानी को बताया कि बाथरूम में गर्म पानी आ रहा है। कृतिका बोली, मैं तो ठंडे पानी से नहा कर आई हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना था, शिवानी इसलिए बोल रही हूँ। शिवानी चिढ़ गई और शिवानी बोली, सुबह का खाना थोड़े बना रहे, शाम का खाना बना रहे। कृतिका बोली, देख मैं बहस नहीं कर सकती, तेरे से नहाना है तो नहा। शिवानी बोली, मैं नहीं नहा रही। कृतिका भड़क गई। कृतिका बोली, ठीक है मैं खाना खुद बना लूंगी। इसके बाद शिवानी कपड़ा उठाकर किचन का स्लैब साफ करने लगी। कृतिका को गुस्सा आने लगा। कृतिका ने घर वालों को बताया कि अभी शिवानी पैर ऊपर करके खो जा रही थी और उसके बाद काम करने लगी। शिवानी भड़क गई और कहने लगी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। दोनों की बहस होने लगी और फिर दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगी। शिवानी ने कृतिका को हाथ लगाया तो कृतिका भड़क गई। कृतिका ने शिवानी को धक्का दे दिया। जब शिवानी और कृतिका की लड़ाई हो रही थी तब अरमान साइड में खड़े होकर दोनों की लड़ाई देख रहे थे। सामने आए वीडियो में अरमान ने शिवानी को रोकते नजर आ रहे हैं और ना ही कृतिका का साइड लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे में अरमान को कृतिका के साथ खड़े रहना था और शिवानी के खिलाफ बोलना था। इतना ही नहीं, अरमान को कृतिका को चाहिए था कि वो गुस्से में अपना हाथ ना उठाए। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे थे कि अरमान साइड में इसीलिए खड़ा था क्योंकि वो कृतिका को लाइमलाइट में आने देना चाहता था। अब यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे में अरमान को कृतिका के साथ खड़े होना था, शिवानी के खिलाफ बोलना था। इतना ही नहीं, अरमान को कृतिका को रोकना भी चाहिए था ताकि वो गुस्से में अपना हाथ ना उठाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अरमान ने जो किया वो ठीक किया और कृतिका को लाइमलाइट में आने का मौका दिया। खैर, बिग बॉस का घर है, रोज नया ड्रामा तो होता ही रहेगा, कभी किचन में या किचन के बाहर, कभी अरमान का, कभी कृतिका का, कभी पायल का, कभी रणबीर का, ये सब तो चलता रहेगा और ये सब हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप ये बताएं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।